डैनियल इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर। मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो हैं वो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हिंदुस्तान में आम हो गई हैं। कुछ दिन गुजरते नहीं है एक घटना को कि दूसरी घटना जो है सामने आ जाती है। एक ऐसी ही घटना जो है अभी दो तीन दिन पहले भी सामने आई है, उससे पहले भी ये घटनाएं सामने आई हैं। भीड़ जो है बेदर्दी से जो है किसी को जान से मार देती है। ये भीड़ में कैसे लोग होते हैं, ये कैसे गुंडे होते हैं जो किसी को भी जान से मार देते हैं। भीड़ में तो लोग वो होते हैं, भीड़ तो किसी की भी भीड़ होती हो सकती है। लोग कोई ऑफिस से वापस जा रहा है, कोई किसी काम से वापस जा रहा है, तो इन लोगों को अपनी ही घर की टेंशन से फुर्सत नहीं है। तो फिर ये कौन लोग होते हैं? जी हाँ, ये लोग जो भीड़ के अंदर शामिल होकर किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, ये होते हैं गुंडे, ये होते हैं आतंकवादी। तो इन्हीं आतंकवादियों को नकेल कसने के लिए ममता बनर्जी ने एक बड़ा फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में पास कर दिया है एंटी लिंचिंग बिल। जी हाँ, बंगाल असेंबली में एंटी लिंचिंग बिल पास हो चुका है। इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2019। तो अब ऐसे गुंडों और आतंकियों की खैर नहीं है, क्योंकि इस बिल में कहा गया है कि जो सजा है वो उम्र कैद की होगी। अगर लिंचिंग में किसी की जान चली जाती है तो जो दोषी पाए जाएंगे उन दोषियों की सजा जो है वो उम्र कैद की होगी और जुर्माना जो है वो 5 लाख तक का होगा। अगर मॉब लिंचिंग में जो है अगर भीड़ जो है किसी को मारती है, वो इंसान अगर बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है, तो जो भी जो गुनहगार होगा उसको जो है कम से कम 1 साल की सज़ा होगी और 50,000 रुपये का जो है वो जुर्माना होगा। बल्कि यही नहीं, एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। जो लोग हैं, जो विटनेस हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर जो इंसान लिंचिंग से बच जाता है उसको पूरा हक होगा कि वो किसी भी वकील को ले सके, किसी वकील को अपना केस लड़वा सके, और केंद्र सरकार जो है वो उसकी मदद करेगी, सरकार जो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। तो ये बहुत ही बड़ा अपने आप में फैसला है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी सरकार ने एक बहुत ये अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये जो वाकयात थे, ये इंसिडेंट्स थे, ये बढ़ते जा रहे थे। हमें जो है देखना चाहिए कि हमारी हिंदुस्तान की हालत क्या है, इकनॉमी हालत क्या है, जीडीपी हमारा जो है वो गिर के 5 पे आ गया है। तो इन चीज़ों के लिए हमें ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बिल का सपोर्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसका सपोर्ट किया है। हालांकि बीजेपी ने जो है इसको ना अपोज किया है ना इसको सपोर्ट किया है, लेकिन हाल में ये बिल जो है पास हो गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब इस बिल के बनने के बाद जो है ये इंसिडेंट्स जो हैं ये कितने रुकते हैं, या इन इंसिडेंट्स में जो भी दोषी पाए जाएंगे लोग उन पे कितनी कार्रवाई होती है, या जो मॉब लिंचिंग करते हैं ये गुंडे, इन गुंडों के अंदर कितना डर या कितना भय जो है बैठता है। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को भी बिल निकालना चाहिए, केंद्र सरकार को भी कोई कानून बनाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में बहुत पहले कह चुकी है कि लिंचिंग से निपटने के लिए केंद्र सरकारों को जो राज्य सरकारों को जो है बिल पास करना चाहिए। इससे पहले हालांकि राजस्थान में भी ये बिल जो है वो पास हो चुका है। तो अब देखना यह है कि किस तरह से और प्रदेशों की सरकारें जो हैं इसको एंटी लिंचिंग बिल बनाती हैं, और केंद्र सरकार जो है किस तरीके से इस पर कोई कानून लाती है। द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो इस बिल का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ आपके साथ होगी मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि आप कितना खुश हैं, कितना संतुष्ट हैं, या क्या चाहते हैं इस बिल में। अगर आगे बिल बने, केंद्र सरकार बिल बने, तो उसमें और क्या क्या अपडेशन होना चाहिए। तो मैं यासिर मसूर आपसे लेता हूँ अलविदा। जय।